हेलो गाइस, बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। गाइस, अर्जुन भैया ने एक बाल विवाह को लेके वीडियो बनाई थी, आपने तो देखी होगी। तो अर्जुन भैया, ते बाल विवाह होता क्या है? देखिए, चिड़िया का नाम है, चिड़िया खाली राजस्थान में मिलती है ना, फिर दिल्ली में मिलती है। गाइस, इसको भी मैं क्या जवाब दूँ यार, क्या जवाब दूँ। वैसे यार काफ़ी टाइम से पूछ रहा है कि बाल विवाह होता क्या यार, बालिका क्या, मतलब क्या ये ड्रामा है, मतलब क्या है ये। और ये तो दिल्ली में बड़ा हुआ है तो इसको पता भी नहीं कि बाल विवाह। हाँ, राजस्थान वाले को शायद पता होगा, राजस्थान में जो बंदे रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से पूछ रहा है कि बाल विवाह में बता दो कि किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो इनको कहना चाहता हूँ कि भाई देख, बाल विवाह जो होता है वो अभी तो नहीं, लेकिन आज से 7-8 अभी भी कहीं कहीं होता भी है, अभी बहुत कम हो गया है, बहुत कम। जब से लेके कानून कुछ कानून भी बना है इसके बारे में, तब से लेके बाल विवाह हमारे राजस्थान में नहीं होता। लेकिन जिस जिस का बाल विवाह हुआ है उसकी ज़िंदगी एक नरक समान हो गई। उसमें मेरा जीता जागता सबूत जो हूँ ना, वो मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ भी 2008 में ऐसा घटना हो चुका था। मैंने एक वीडियो भी डाली मेरे चैनल पे, आपने देखी रहेगी। तो बाल विवाह का मतलब ये है कि बचपन में शादी, जैसे आपकी उम्र में अभी आपकी शादी करवाएं तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अगर आपकी शादी बोलवाएं, अगर अभी करवा, क्या बोलेंगे? बाल विवाह। तो बाल विवाह का मतलब यही है कि बचपन में शादी करना, ठीक है, जो मेरी हुई है, ठीक है। तो बाल विवाह का मतलब यही है, ठीक है। और क्या पूछना था अभी बता दे मुझे। प्रॉब्लम होती है बाल विवाह में, जिंदगी कैसे खराब हो जाती है। अच्छा, बाल विवाह क्या होता है और बाल विवाह तो बता दिया, जिंदगी कैसे खराब हो जाती है कि भाई जिंदगी ऐसे खराब हो जाती है कि कोई भी बंदा शादी क्यों करता है और किस लिए करता है और किसके साथ करता है, ये मेन टॉपिक होता है। जो किसके साथ करता है मतलब ये होता है कि हम बड़े होके अपनी लाइफ पार्टनर खुद चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बालिका जो बाल विवाह होता है उसमें ऐसा नहीं रहता, हमें कोई समझ नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाल विवाह हो गया है तो धीरे धीरे, जो मेरे साथ घटना हुई है वो मैं बता रहा हूँ, उसकी सोच धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंचने लगी, मेरी सोच धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंचने लगी। जब हम मिलने लगे तो वो कहीं और पहुंच गई थी, मैं कहीं और पहुंच गया था, ठीक है। तो उससे फिर विचार नहीं मिलते और वो फिर जैसे ही मिलने का दिन आता है वो रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है उस वक्त, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे वो एक दिन टूट ही जाएगा, ठीक है। तो मेन टॉपिक ये था कि बाल विवाह जो है धीरे धीरे कभी सक्सेस नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, और कानून काफ़ी बने। और मेरा जो वीडियो बताने का मकसद भी यही है, ठीक है, मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, ठीक है। भले वो बाल विवाह हो या फिर कम उम्र में बिना फ्यूचर की शादी हो, ठीक है। मेरे साथ जो घटना बिना फ्यूचर का शादी नहीं हो पाई आपको पता ही रहेगा मेरी लाइफ में, और जो हुई थी वो भी क्यों, क्योंकि वो कमियाँ कहीं के मेरे में है ना, फ्यूचर नहीं है। तो भाई जैसे कोई बोलता है कि हाँ मैं तेरे लिए जान भी दे दूँगी या फिर कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ रहूँगी, तेरा तू मतलब बहुत बड़े बड़े वादे हैं, तो भाई सारे वादे झूठे होते हैं। सारे जो प्यार बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है, प्यार चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मैंने जो इतना टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी लड़कियों से मिला और काफ़ी लड़कियों को देख भी रहा हूँ, और मेरे साथ जो देखा मैंने, तो फाइनली जो रिजल्ट ये आया है भाई, फ्यूचर है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, नहीं कोई प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं और हाँ आगे और बता भैया, सब लोग कह रहे थे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो दोबारा पैचअप नहीं हो सकता? भाई दोबारा पैचअप कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2014 से लेके हमारे पे इतनी FIR, इतनी नफरत बढ़ गई है एक दूसरे के फैमिली को लेके, और मुझे भी और उसको भी। और तो अगर नफरत है तो वहाँ पे प्यार तो कुछ बढ़ेगा भी नहीं, फीलिंग्स नहीं होगी, तो शादी करके साथ में रहने से फ़ायदा क्या है,
ठीक है। और कहीं कहीं सुनने में भी आ रहा है कि उसकी शादी भी हो रखी है, मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन वो मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी उस लड़की की शादी भी कहीं हो रखी है। एक लड़की की दो दो शादी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है क्या मतलब, मेरा भी बचपन में शादी हुई थी, ठीक है, तो बचपन की शादी ठीक है, शादी हुई थी, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो शायद उसका भी यही है, यही ख्याल है कि हाँ बचपन की शादी हुई थी, हमें नहीं रखनी, बाल विवाह हुआ था तो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो बिल्कुल दूसरी शादी करेगी यार, बिल्कुल करेगी, मैं भी तो करूँगा कुछ टाइम, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, मेरे को तो अभी इतना अभी जो दर्द है ना वो बहुत ही बढ़ गया है, तो शायद अभी नहीं हो पाएगा। तो मान लिया मुझे इन फ्यूचर आपका कुछ नहीं हो सकता? नहीं, हाँ उस लड़की के साथ में तो कभी नहीं हो सकता, इन फ्यूचर क्या कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनको लाओ एक बार वीडियो के अंदर, तब जाके वीडियो बनाई, नहीं तो मैं भी उसकी फेस नहीं देखना चाहता, और शायद वो भी। गाइस मुझे तो पता चल गया कि बाल विवाह क्या होता है, और मुझे समझ में आ गया कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है। क्या आपको समझ में आ गया है? तो आप इन फ्यूचर बाल विवाह प्रथा के लिए पूरा विरोध करो, जिससे इन फ्यूचर बाल विवाह ना हो और किसी की ज़िंदगी खराब ना हो।